खबर वाराणसी से है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के हंगामे की खबर है। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर धरना भी दिया है। 12 घंटे विमान वहां पर लेट हो गया है। एयरपोर्ट प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यात्रियों को मनाया गया तो यात्री मान गए और फिर विमान देर रात रवाना हुआ, लेकिन यात्रियों ने हंगामा किया और वहां पर एयरपोर्ट प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फ्लाइट 12 घंटे लेट हो गई। कानपुर की बात हो रही तो आपको बताएं कि वहां के सपा विधायक जो इस वक्त जेल में बंद है, इरफान सोलंकी, उनका फर्जी आधार कार्ड सामने आया है। फरार रहने के दौरान फर्जी आधार कार्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया था। इरफान सोलंकी ने इसी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा भी की थी। आधार में इरफान सोलंकी का नाम अशरफ अली लिखा हुआ है। फर्जी आधार कार्ड प्रयोग करने पर ग्वालटोली थाने में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। यही वो आधार कार्ड है जिसको हम दिखा रहे हैं आपको। अशरफ अली नाम लिखा गया है इस पर। तस्वीर इरफान सोलंकी की आप बहुत साफ देख सकते हैं। ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज इसी बात को लेकर। यह फर्जीवाड़ा है साफ साफ पुलिस की नजर में। आरोप भी यही है। प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तथ्य इसी सारे प्रकरण से जुड़े हुए आपको बताते हैं। इस फर्जी आधार कार्ड के बारे में आपको बताते हैं। आगजनी और धमकी के मामले में आरोपी हैं इरफान सोलंकी। उन पर केस दर्ज हुआ है और केस दर्ज होने के बाद फरार चल रहे थे इरफान। कानपुर से बाहर चले गए इरफान सोलंकी और इसी आधार कार्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया। जी, फर्जी आधार कार्ड पर उन्होंने हवाई यात्रा की थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी। इरफान जो है इस आधार कार्ड की जगह उन्होंने अपना नाम जो है इरफान सोलंकी की जगह अशरफ अली रखा है। इरफान सोलंकी ने बाद में सरेंडर कर दिया था। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कानपुर में, कानपुर पुलिस कमिश्नर के आवास पर पहुंचकर, और उसके बाद उनको जेल भेजा गया। पुलिस ने उनसे लंबी पूछताछ की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर और बड़ी खबर लखनऊ से है। लेवाना होटल गिराने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लेवाना होटल गिराने पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर तक होटल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई है। एलडीए ने 9 दिसंबर तक का समय दिया था लेवाना होटल के मालिकों को। आज एलडीए का जो नोटिस था और जो समय सीमा दी गई थी एलडीए की ओर से, आज समाप्त हो रही थी और आज से होटल का ध्वस्तीकरण शुरू होना था, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने रोक लगा दी लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण पर, डिमोलिशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, स्टे कर दिया है। यानी एलडीए आज इसको ध्वस्त नहीं कर पाएगा। आइए महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। 5 सितंबर 2022 को इस होटल में आग लगी थी। 4 लोगों की मौत हुई थी इस अग्निकांड में। 20 लोग इस अग्निकांड में जख्मी हुए थे। 5 सितंबर को यह हुआ था। बिना नक्शा पास कराए होटल बनाने का आरोप था लेवाना होटल के ओनर्स पर। आवासीय निर्माण की जगह होटल का निर्माण हो गया। स्वीकृति थी आवासीय निर्माण की, बना होटल। एलडीए ने हादसे से पहले ही नोटिस दिया था। 26 मई और 28 अगस्त को नोटिस दिया गया था एलडीए की ओर से। हादसे के दौरान भी लापरवाही की बात सामने आई। जी, इमरजेंसी गेट और एग्जिट गेट नहीं होने की बात सामने आई। इमरजेंसी और एग्जिट की जगह सीढ़ियां लगाई गई थी और जांच रिपोर्ट में 6 डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदार माना गया। ध्वस्तीकरण के लिए 9 दिसंबर तक हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है और अब इसे 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फिलहाल एलडीए ध्वस्त नहीं कर पाएगा लेवाना होटल को हाईकोर्ट के इस स्टे की वजह से। 15 दिसंबर तक की तारीख हाईकोर्ट ने दी है, एक्सटेंड किया है स्टे को। प्रभात कानपुर से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी के घर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। शहर में डेंगू के प्रकोप के बीच बयानबाजी पर पुलिस सतर्क है। विधायक ने सीएम को मच्छरदानी भेंट करने की बात कही। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर पहुंचेंगे और आज कानपुर में वो एक प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे निकाय चुनाव के मद्देनजर। इसी बीच मच्छरदानी भेंट करने की बात कह दी है अमिताभ वाजपेयी ने मुख्यमंत्री को। जैसे डेंगू का प्रकोप है शहर में, उसको देखते हुए सीधा आपको कानपुर लिए चलते हैं और ताजा तस्वीरें दिखाते हैं पहरे की और बताएंगे उसके बारे में। हमें रतीश त्रिवेदी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। रतीश, क्या देख रहे हैं आप वहां पे? अमिताभ वाजपेयी जब भी मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके घर पुलिस उनको नजरबंद करती आई है। अमिताभ वाजपेयी ने खुद ये पिक्चर्स शेयर की हैं और आज उनका प्रोग्राम मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान डेंगू के प्रकोप से जो कानपुर झेल रहा है उसे मच्छरदानी देने का और इरफान सोलंकी के मामले में कुछ बातचीत करने का था, लेकिन पुलिस जो स्थानीय थाना है
वहाँ की पुलिस उनके घर पहुँची है और फिलहाल अमिताभ बच्चन अपने घर पर ही मौजूद है। जो उनका प्रोग्राम था वो फिलहाल उनका ऐसा कहना है कि उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस आधिकारिक तौर पर कहती क्या है अमिताभ वाजपेयी से? देखिए फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं है, पुलिस के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की है लेकिन अभी उनके फोन कॉल रिसीव नहीं हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है, लेकिन जैसे ही उनसे बात होगी उसके बाद ही अपडेट कर पाएंगे कि क्या किस कारण से ऐसा किया गया है। लेकिन अमिताभ बच्चन का कहना है कि उनको मुख्यमंत्री से मिलना था लेकिन फिलहाल पुलिस उनके घर के नीचे मौजूद है। जी धन्यवाद आपका रतीश। दरअसल मिशन निकाय चुनाव के तहत सीएम योगी आज कानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री 387 करोड़ की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास करेंगे या लोकार्पण करेंगे। वो प्रधानमंत्री आवास निधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। सीएम योगी का निकाय चुनाव से पहले ये 15वें नगर निगम का दौरा है। इससे पहले वे बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ और गोरखपुर का दौरा कर चुके हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन करने के बाद सीएम योगी कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया था। वहीं लखनऊ में उन्होंने कहा था कि नगर निकाय में 5 वर्ष में हुए परिवर्तन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं। आज कानपुर दौरा मुख्यमंत्री योगी का, लगातार वो प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर हमने आपको बताया कि किन किन शहरों में उन्होंने ऐसा किया। आज बारी कानपुर की, करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिलेगी कानपुर को। मुख्यमंत्री 300 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे आज कानपुर में। सौगातें मिल रही हैं अलग अलग शहरों को, निकाय चुनाव सामने है बिल्कुल। और आज सम्मेलन बीएसएसबी कॉलेज में, अब तक 14 नगर निगमों में यह सम्मेलन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आ रहे हैं और तमाम सौगातें देंगे। 387 करोड़ की योजनाओं की सौगात देकर मुख्यमंत्री आज 2 घंटे शहर में रहेंगे। बड़ा पंडाल सजाया गया है। नगर निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सभी नगर निगम पहुंच रहे हैं जहां विकास परक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज कानपुर की बारी है। कानपुर में 11:25 पर CSA में बने हेलीपैड में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद 2 घंटे तक वो यहीं पर रहेंगे। 5 मिनट का वक्त लगेगा CSA हेलीपैड से उन्हें यहां पर पहुंचने में। VSSD कॉलेज के ग्राउंड पर ये कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद प्रबुद्ध जनों से संबोधन भी होगा मुख्यमंत्री का। लेकिन आपको सुरक्षा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पुख्ता कर लेना चाहते हैं, इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो। साफ सफाई सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, मंच पूरी तरीके से सज के तैयार हो गया है। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। लेकिन योजनाओं की बात की जाए तो 387 करोड़ की योजनाएं हैं। उन योजनाओं के साथ साथ जो आज तमाम योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको भी मुख्यमंत्री मंच से सम्मानित करेंगे, उनको आच्छादित करेंगे विकास की योजनाओं के द्वारा। आपको ये तस्वीर भी दिखा दें कि 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कानपुर नगर निगम और कानपुर के विकास परक योजनाएं जो हैं कैसे चलाई जा रही हैं उनके बारे में आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले मेयर प्रमिला पांडे का संबोधन होगा और तमाम प्रबुद्ध जन जो आज यहाँ पर जुटेंगे, जो उद्योगपति शहर के हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के लिए। और इन्हीं के लिए ये कुर्सियाँ सजाई गई हैं, ये तमाम तैयारियाँ की गई हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। नगर निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह से तैयारी कर रही है कि शहर शहर मुख्यमंत्री और तमाम बड़े मंत्री पहुंचकर अपने योजनाओं के बारे में लोगों तक ये बात पहुंचाएं और एक संदेश दें कि कैसे सरकार योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने में सफल हो रही है। 387 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का दिन है। बड़ी सौगातें आज कानपुर को मुख्यमंत्री देने पहुंच रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। खबर फतेहपुर से है। वहां पर मौलवी समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंदू लड़की का अपहरण कर निकाह करने के मामले में यह एक्शन लिया गया है। पुलिस ने मौलवी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर कोतवाली के हरिहरगंज में 6 महीने पहले एक लड़की को अगवा कर मुंबई ले जाने का भी आरोप है। बताया ये जा रहा है कि मौलवी युवती को असोथर थाना इलाके के 7 गांव में लाकर निकाह करा रहा था। अगली खबर बाराबंकी से है। फिरौती लेकर हत्या करने जा रहे बदमाश ने मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में प्रतापगढ़ के 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। चारों बदमाश गुजरात के एक व्यापारी की हत्या करने जा रहे थे और इसी दौरान बाराबंकी की स्वैट और सर्विलेंस टीम ने उन्हें घेर लिया और एनकाउंटर में पकड़ लिया। इन आरोपियों पर हत्या, लूट, डकैती और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। चारों का नाम मुक्तादिर, असगर अहमद, जुनैद, मोहम्मद परवेज है और इनके पास से पुलिस ने 4 अवैध असलहे और 12 जिंदा कारतूस के अलावा
घटना में इस्तेमाल होने जा रही कार भी बरामद कर ली है। देखिए जो ये आरोपी पकड़े गए हैं, इनका आपराधिक इतिहास तो दर्जनों है। ये प्रतापगढ़ के बड़े शातिर अपराधी हैं। इनका पेशा ही लूट डकैती हत्या करना है, और उन सब में ये देखा गया कि ये सब असलहों से लैस, और इनके पास फोर व्हीलर गाड़ी भी बरामद की हमारी एसओजी टीम और सर्विलांस ने मिल करके, और इनको कई जगह की पुलिस तलाश भी रही है। यहाँ पे जो जिसमें पकड़े गए चार लोग, इसमें से दो प्रतापगढ़ में वांछित चल रहे हैं, इन्होंने वहाँ पे घटनाएं कारित करी हुई हैं। अगली बड़ी अपडेट कौशाम्बी से है। बाइक सवार बदमाशों ने कार लूट ली है। फिल्मी स्टाइल में ड्राइवर से मारपीट करके ये कार लूटी गई है। कोखराज थाना इलाके के बिसारा पेट्रोल पंप के सामने से कार लूट कर ये लोग फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है, फिर भी सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश में लगी है। कौशाम्बी से खबर, ये देखिए आप फुटेज। फिल्मी स्टाइल में ड्राइवर से मारपीट करके ये कार लूटी गई। पेट्रोल पंप के सामने लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। फिलहाल बाइक पर सवार थे बदमाश जिन्होंने कार को लूटा। फिल्मी स्टाइल में मारपीट की गई इस कार ओनर के साथ, और उसके बाद कार को लूट लिया गया। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। देखिए आप फिर से एक बार पेट्रोल पंप के सामने कैसे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया, और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम और यूपी के मंत्री दानिश अंसारी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। यूपी एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि प्रमोद कृष्णम की मूछें कुत्ते जैसी हैं। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी को 2002 के गुजरात दंगों के आरोपी का बेटा बताया और आजम खां पर भी निशाना साधा और कहा कि आज विधवा की तरह क्यों रो रहे। शौकत अली एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, विवादित बयान दिया है उन्होंने और कई बातें विवादित कही हैं। प्रमोद कृष्णम के बारे में, दानिश अंसारी के बारे में और आजम खां के बारे में अलग अलग बातें हैं, विवादित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम, उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी और आजम खां सभी इनके निशाने पर रहे। दानिश अंसारी को उन्होंने 2002 दंगों के मास्टरमाइंड का बेटा बता दिया। आजम खां के बारे में कहा कि विधवा की तरह क्यों रो रहे हैं। प्रमोद कृष्णम के बारे में भी उन्होंने कुछ अस्वीकार्य टिप्पणियां की हैं। देखिए क्या कह रहे हैं शौकत अली। शौकत अली ने जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। तब भी तकलीफ होने लगती है, तो हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, इतिहास आपने पढ़ा होगा। हाँ इतना आपको कहना चाहेंगे कि जब इलाकों को फतेह करने के लिए आपको घोड़ों की पीठ पर बैठना पड़ता था, आपको गर्दनों को काटना पड़ता था, गर्दनों को कटाना पड़ता था, तब पायलट नहीं हुआ करता था जिसकी तरह है। पसमानदा मुसलमान एक साहब को देखा मैं टीवी पे बोल रहे थे, बोले दानिश आजाद अंसारी हमारे खलीफा है। अरे मैंने कहा ये देखिए मोदी जी का भेजा हुआ एक नया खलीफा हमारे बीच आ गया। 2002 के दंगे का मास्टरमाइंड, 2500 मुसलमानों का कत्लेआम, अहमदाबाद की सड़कें हमारे खून से लाल हुई, उसका भेजा हुआ एक टीचर मुसलमानों का खलीफा नहीं हो सकता। खान साहब आप रो रहे थे बेवाओं की तरह, आप मिनी चीफ मिनिस्टर थे, हम आपके साथ खड़े थे, लेकिन आपकी औलाद ने भी मेरे लीडर को बीजेपी की बी टीम कहा। हमने कभी कुछ नहीं कहा, हम कल भी तुम्हारे साथ थे, आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुमने हमें क्या सिला दिया। AIM लीडर शौकत अली के बयान आपने देखे, प्रमोद कृष्णम पर, दानिश आजाद अंसारी पर और आजम खां पर टिप्पणियां विवादित लगती हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।